हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम EEEEC आयुष का सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी हाई रहा है। इसके लिए तो मल्टीपल रीजन्स है, वो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आयुष का सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा है। तो सबसे पहले BAMS ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ रहा है, जनरल के लिए 539 मार्क्स रहा है, जनरल PH का 125 मार्क्स, EWS की बात करें तो 536 मार्क्स, OBC का 531 मार्क्स, SC का 421 एंड ST का रहा है कट ऑफ 408 मार्क्स। अब BAMS की बात करें जो कि ऑल इंडिया कोटा एडेड की है, वो 533 मार्क्स, उसके बाद जनरल PH का 247, EWS का 529, OBC का 530, SC का 416 एंड ST का 427। अब हम BAMS BHU की बात करें, सो जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जनरल का 590 मार्क्स है एंड आप बाकी कैटेगरी का स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब BAMS जो जामनगर का कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका 576 जनरल कैटेगरी का। अब BAMS जयपुर जो NIA हम कहते हैं उसे, उसका कट ऑफ जनरल का 591 मार्क्स। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो शिलोंग में है BAMS की, उसका कट ऑफ 552 मार्क्स रहा है जनरल के लिए। उस हिसाब से बाकी की कैटेगरीज का आपके सामने जो कट ऑफ हमने लिखा है उसमें आप देख सकते हैं। अब हम उसके बाद BHMS की बात करें तो BHMS ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट के कॉलेज है, जनरल का 478 मार्क्स रहा है, उसके बाद EWS का कट ऑफ 449 मार्क्स, OBC का 462, SC का 382, ST का 331। तो आप एडेड का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।